द सड़क नामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आज चूंकि सिरसा जिले की नाथूसरी चोपटा खंड की ग्राम पंचायतों को आरक्षित करने की कार्रवाई आज की गई है और ये कार्रवाई SDM जयवीर यादव और BDPO ओम प्रकाश के नेतृत्व में की गई है। और चूँकि हम आपको बता दें कि नाथूसरी चोपटा जो ब्लॉक है सिरसा ज़िला का, वहाँ पर कुल 51 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें जो नाथूसरी चोपटा खंड के अंतर्गत आती हैं और उन सभी को जो आज आरक्षित करने की जो कार्रवाई है वो आज की गई है, जिनमें से हम ये आपको बताएंगे अलग अलग जो कैटेगरी की जो अलग अलग पंचायतें हैं जो आरक्षित की गई हैं, किस किस पंचायत को कहाँ कहाँ जो इस बार आरक्षण दिया गया है वो हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 51 कुल ग्राम पंचायतें हैं नाथूसरी चोपटा खंड के अंतर्गत, जिनमें से महिलाओं यानी कि जो 17 जो महिला हैं वो सरपंच चुनी जाएंगी इस बार नाथूसरी चोपटा खंड में, क्योंकि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को प्राप्त है। इसके साथ अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर के भी जो पंचायतें हैं वो जो ड्रास के माध्यम से आवंटित की गई है उनकी सूची में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अनुसूचित जाति वर्ग के जो सरपंच चुने जाएंगे, मुखिया चुने जाएंगे, वो गांव को कौन से हैं, उनमें से अली मोहम्मद गांव है जहां पे अनुसूचित जाति वर्ग की जो ग्राम पंचायत इस बार बनेगी। और अली मोहम्मद के अलावा लुदेसर की बात करूँ, हंजीरा की बात करूँ, गुसाई आना है, शक्कर मंदोरी है, मोडिया खेड़ा है या रुपाना बिश्नोइया है, इन गाँव में जो अनुसूचित जाति का सरपंच है वो चुना जाएगा। और इनमें जो महिलाएं भी चुनी जा सकती हैं, पुरुष भी चुना जा सकता है और अनुसूचित जाति वर्ग का चुना जाएगा। और कुल 3 ऐसी पंचायतें हैं जहां पे अनुसूचित जाति वर्ग की महिला ही सरपंच चुनी जाएगी, उनमें से शेरपुरा गांव है, तरकावाली है और एक गुडियाखेड़ा गाँव है। इन 3 गाँव में जो महिला ही अनुसूचित जाति वर्ग की वो चुनाव लड़ पाएंगी। और अब मैं आपको बता दूं कि जिन गांव में सिर्फ और सिर्फ महिला सरपंच बनेंगी, और वो गांव ऐसे हैं, चौबुर्जा गांव है, राजपुरा साहनी, रामपुरा ढिल्लो, रामपुरा नवाबाद और रायपुर, जोगीवाला, बरासरी, नहराणा, शाहपुरिया, रंधावा, अरनियावाली, गिगोरानी, कागदाना और ढोकड़ा, ये ऐसे गाँव हैं जहाँ पर महिला सरपंच चुनी जाएंगी। ये महिला सामान्य वर्ग की भी हो सकती है, ये महिला अनुसूचित जाति वर्ग की भी हो सकती है। इसके साथ जो अनारक्षित गांव हैं उनकी एक लंबी चौड़ी सूची है, जहां पे अनारक्षित वो गांव होते हैं जहां पे सामान्य वर्ग का पुरुष सरपंच बन सकता है, इसके साथ वहां पे महिला भी सरपंच बन सकती है, इसके साथ अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति भी जो है वो सरपंच बन सकता है, यानी कि आरक्षण नहीं है, अनारक्षित पंचायतें उनको कहेंगे, जहाँ पे जो पुरुष हैं वो भी लड़ सकते हैं, महिलाएं भी लड़ सकती हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो गांव है, लंबी चौड़ी सूची है, मैं आपको बता दूं कि कुल 27 गाँव ऐसे हैं। अगर शुरुआती तौर पर मैं बताऊँ तो बकरियावाली गाँव है, बरूवाली सेकेंड है, चाडेवाल है, चहारवाला है, दड़बा कला है, डिंग है, गदली, गंजा रुपाणा, जमाल, जसानिया, जोधका, जोड़कियाँ, खेड़ी, कुकड़ थाना, कुम्हारिया, कुतियाना, माखोसरानी, मोचीवाली, नारायण खेड़ा, नाथूसरी कला, नेजिया खेड़ा, निर्वाण, राजपुरा कैरावाली, रूपावास, सहूवाला सेकंड, ताजिया खेड़ा और रुपाना खुर्द, ये 27 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे अनारक्षित की गई है, जहाँ पे पुरुष जो चुनाव लड़ सकते हैं और ये पुरुष सामान्य वर्ग के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सामान्य वर्ग के भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती हैं और अनुसूचित जाति वर्ग के भी हो सकते हैं। तो ये 51 गाँव का जो डाटा आज नाथूसरी चोपटा ब्लॉक में बैठ करके ड्रा सिस्टम से तैयार किया गया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि किस किस ब्लॉक में क्या क्या कैटेगरीज रहेगी। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए,
हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, Facebook पे या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।